ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यानी कि N2 जो होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, और 2N जो होता है यानी कि क्या होता है कि ये जो होता है यानी कि क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो होता है, मैं इसका अंतर समझाता हूँ, बहुत ही कॉमन सा अंतर है, मास के अनुसार से नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे N2 का मतलब है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है इस प्रकार में आपस में कंबाइंड है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन का मतलब है एक नाइट्रोजन इधर घूम रहा है, एक नाइट्रोजन इधर घूम रहा है, यानी कि दो नाइट्रोजन के एटम है। अब मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, जब जब एटम से मिलके क्या बनता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनता है। अब बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मुझे बताओ कि दोनों में परसेंटेज पूछा गया था, अब बेसिकली परसेंटेज पूछा है, हम लोग किसी एक का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर जब मास रेशियो पूछा जाता तो 14:3 पूछा जाएगा, और अगर आपसे इससे पूछा जाए कि कितना हो जाएगा, अगर मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो, आप सभी ने निकाल लिया होगा मेरे ख्याल से, कितना निकला है बताइए, 42.3 यानी कि कितना कर, यानी कि 3 और इनटू 100 कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/17 × 100 यानी कि 1400 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने क्या कर दिया, यानी कि 1400 यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 72.3 के आसपास हो जाएगा। अब यानी कि 1400 है, अब आप चाहो तो इसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1400 को आप लोग चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, यानी कि किससे, 17 से, ठीक है। अब यानी कि आपने क्या कर दिया कि इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो यानी कि कितनी बार में लगेगा, करीब करीब जो है यानी कि आपके पास जो आ जाएगा 7 के बाद करीब करीब आ जाएगा, 8 के करीब करीब आ जाएगा, 17 × 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 136 यानी कि यहाँ पे यानी कि 40 और फिर कितना हो जाएगा, 82 point something आ जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा 82 point something के आसपास आ जाएगा। रेस्ट ऑफ जो यानी कि क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, 18% हो जाएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपसे वो क्या पूछेगा कि जैसे कई बार क्या करता है कि वो क्वेश्चन को वेरी करता है, अब मान लो कि वो आपसे ये पूछ के अब वो पूछ दे, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूं एक पेज को, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे आपसे वो पूछ देगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन में बताओ कि परसेंटेज ऑफ CO2 कितना होगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, अगर कल की क्लास में आप लोग जो है मेरे को फटाफट से बताना, ठीक है। अब हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं यानी कि इसकी ब्रांचेस के बारे में, कि जो है इसकी जो है हम लोगों ने सॉरी हम लोग जो है इंपॉर्टेंस ऑफ जो है ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि केमिस्ट्री जो है कहाँ कहाँ जो है यूजेस होते हैं, ठीक है। हम लोग जो है बेसिकली थोड़ा सा जो है आगे के टॉपिक पर बढ़ गए थे, हमने जो है यहाँ पे बात करना, यानी कि मेडिसिन में, यानी कि जो केमिस्ट्री का यूज होता है वो कहाँ पे होता है, मेडिसिन के बारे में यूज होता है, ठीक है। अब यानी कि आपको पता है कि यानी कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो मेडिसिन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। बिना मेडिसिन के आजकल हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि कैसे अगर जिंदगी जिया जाए, यानी कि ये जो होगा यानी कि क्या होता है, यानी कि काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। आप देखो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आज हम लोग मेडिसिन यूज कर रहे हैं, हम लोग बहुत पहले भी यूज करते थे मेडिसिन का, लेकिन सर आवाज नहीं आ रही, सर आपकी साउंड नहीं आ रही, सर आपका माइक म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही, माइक ऑफ हो गया, यानी कि सॉरी नहीं आ रही है, एक्चुअली ऑटोमेटिक ही ये प्रॉब्लम आती रहती है, थोड़ी बहुत जो है ये सब चलती रहती है, जब भी हो जाए तो एक बार मेरे को बता देना, ठीक है। यस ठीक है, यानी कि आप पहले जो ऐसा नहीं कि आज हम लोग केमिस्ट्री मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले यूज नहीं करते थे, पहले भी यूज करते थे। अगर जो देखो बहुत पुराने समय में, अगर जो रामायण में देखो लक्ष्मण भगवान को जो है अगर जो लगा था वान, तो वहां पे भी हम लोगों ने संजीवनी बूटी का यूज किया था। महाभारत जब युद्ध हुआ था तो उस समय भी हम लोगों ने जो है यानी कि कई सारे जड़ी बूटी का यूज किया, ऐसा नहीं कि आज यूज नहीं करते। जैसे आप लोगों ने, आप लोग जैसे हिमाचल के होंगे, वहां पे बहुत तरीके के यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना कई तरीके से यूज करते रहते हैं। जैसे मैं बताऊं कि आप लोगों ने जो है नीम का जो है पेड़ का जो है यूज करते होंगे, जो पत्ते होते हैं नीम के पत्ते,
तुलसी के पत्ते या कैनोन, या फिर हम लोग जैसे कि किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कटहल के पेड़ के जो छाल होते हैं उनका यूज करते हैं, तो यानी कि इन सब तरीके से पहले यूज करते थे। लेकिन इनमें दिक्कत क्या आती है कि हमारे पास बेसिकली चार दिक्कतें आती है। पहली कि सभी के पास सब चीज नॉलेज नहीं है कि कौन सी जड़ी बूटी से कौन चीज होगा। दूसरा, आप ये नहीं बता सकते कि आपको जरूरत हो कि मान लो कि मुझे आज जरूरत हो, इसको पीसो बनाओ तब यूज करोगे, तो भी तब तक जो है कई बार पेशेंट की और भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, तो इन सब चीजों से। तीसरा, ये उतना तेजी से कारगर नहीं होता, तुरंत रिलीफ नहीं देता है, तो इसी कारण से हम लोगों ने जो है इन मेडिसिन पे ज्यादा निर्भर रहना। और चौथी पॉइंट जो है, ये इजिली अवेलेबल होती है, लेकिन आपके गांव में जैसे हो सकता है कि किसी के गैस, मान लो दिल्ली जैसे शहर में कोई बीमार हो गया, क्या वहां नीम के पत्ते मिलेंगे, क्या तुलसी के पत्ते मिलेंगे, क्या नहीं, यानी कि इसलिए वहां पे क्या होता है कि इन सब चीजों के बारे में उतना नहीं है, तो वहां पे क्या होता है यानी कि मेडिसिन मिलाया जाता है। चौथी बात ये होती है कि इसको आसानी से आप रख सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो करीब करीब साल भर, लेकिन आप इन सब चीजों को नेचुरल तरीके को जो है यानी कि नेचुरल थिंग्स को आप इतने समय मतलब प्रिजर्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो है यानी कि क्या हो जाता है, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यानी कि उसके बाद हम लोग जो है यानी कि एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या यूज करते हैं एग्रीकल्चर में? अच्छा, एग्रीकल्चर में मुझे कोई बता सकता है कि किन किन रूपों में हम लोग जो यूज करते हैं, कोई मुझे बता सकता है, बताइए प्लीज। पेस्टिसाइड्स, और किसमें, सॉरी फिर से बोलिए। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर में यूज करते हैं आप लोग। अच्छा, जैसे अच्छा मुझे कमेंट में लिखिए कि आप लोग जो है, आप लोग उधर कौन कौन सी जो खेती होती है। जैसे हमारे साइड जो होती है वो होती है राइस की, और जो होती है यानी कि गेहूं की, वीट की, या सरसों की। सरसों समझते हो आप लोग, ठीक है। हाँ, वीट में यानी कि वीट राइस, हम लोग के लगभग लगभग जो है जो हम लोग का समतल भूमि होता है। अच्छा, आप लोग जो है वहां पे इरिगेशन देखना अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग जो है बहुत सही हो, ठीक है। यानी कि राइस की, मेज की, वीट की, यानी कि इन सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं यानी कि यूज करते हैं। वेरी गुड, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग जो है एग्रीकल्चर करते हैं। मैं आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग रेडी है? Yes. अगर yes, मेरे को एक छोटा सा बात बताओ कि एग्रीकल्चर में हम लोग जो बहुत yes, सारे चीजें यूज करते हैं, जैसे यूरिया का यूज करते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे मान लो कि डीएपी का यूज करते हैं, ठीक है, या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, और भी चीजें हम क्यों यूज करते हैं, जबकि हमें पता है कि ये जो है यानी कि क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। मुझे पता है कि यूरिया जो है यानी कि क्या है, हार्मफुल है, डीएपी भी हार्मफुल है, या पोटास का यूज करते हो, या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करते हो, ये सारे के सारे क्या है, हानिकारक है, लेकिन हम लोग क्यों यूज करते हैं इन सब चीजों का, कोई मुझे बता सकता है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों का यूज करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन का इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके लिए यूज करते हैं प्रोडक्शन का जो है, इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन का जो है इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो है इनका यूज करते हैं। खैर, अब इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे आप समय देखो बढ़ रहा है, तो हमारी पॉपुलेशन जो है यानी कि क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन जो है यानी कि क्या हो रही है, यानी कि बहुत ही तेजी से हमारी पॉपुलेशन जो है यानी कि इंक्रीज हो रही है। अगर जब पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से, हाँ अनुराग बोलिए, अब कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, अगर जब कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कि किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई पॉइंट हो तो मुझसे जो है पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। क्या यानी कि हमारे पास जो है, हाँ बोलिए, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, तो यानी कि जो है यहाँ पे जो है मैसेज भी आप लोग कर दीजिए, ताकि हम लोग को पता लग जाए, ठीक है। अब हम लोग जो है यानी कि पॉपुलेशन जैसे जैसे समय के साथ बढ़ते जा रही है, तो उनको खाने की समस्या ना हो, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यानी कि ये सारी यूज कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इनसे कई सारी बीमारियां डेवलप होती है हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि इन सब चीजों का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमारी नेसेसिटी है। अब हम लोग ना चाहते हुए भी
आप लोगों को कई बार मैं जब बताऊंगा, आप लोगों को अभी तो वैसे कुछ नहीं बताया, अभी क्लास हुई नहीं है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। हाँ दक्ष शर्मा, कुछ अगर जो डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे जो है यानी कि प्रोडक्शन जो होता है, यानी कि जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, जिस कारण से आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा यूज करना पड़ता है। दूसरा, हमारे पास जो है हम लोग जो है कहाँ पे यूज करते हैं, फूड के रूप में इसका जो है यूज करते हैं। अब जैसे मान लो कि फूड के रूप में हम लोग कैसे करते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने जो है रसगुल्ला खाया होगा, खाया कि नहीं, आप लोगों ने खाया हो तो यस लिखिए, yes, नहीं खाया हो तो नो लिखिए। ऐसा कोई जिसने आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो कलर यूज किया जाता है, यानी कि जो कलर है, कलर यूज किया जाता है कि नहीं, आपका रसगुल्ला व्हाइट yes, yes, रेड बनाया जाता है, yes, sir. जो है कई तरीके का जो है बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि वहां पे कलर का यूज करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो केक बनाते हैं तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, किया जाता है कि नहीं, यानी कि बेकिंग यानी कि यूज कर, ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने चाउमीन खाया होगा, चाउमीन में देखना विनेगर का यूज किया जाता है या एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि इन सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है यूज करते हैं कहाँ पे, यानी कि और भी बहुत सारी जगह फूड प्रिजर्व में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो यूज किया जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है यानी कि यहाँ पे जो है सोप के रूप में यूज करते हैं। अच्छा मुझे बताओ सोप का नेचर कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक होता है? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, यानी कि जो सोप का नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो टूथपेस्ट होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है या एसिडिक होता है? टूथपेस्ट का नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। अच्छा आपके मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, हम लोग ये बेसिक ही क्यों यूज करते हैं, एसिडिक क्यों नहीं यूज करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? सर एसिड सर रिएक्टिव होते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। सॉरी बेटा आप क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बोलिए। सर ये रिएक्टिव होते हैं सर, एसिड एसिड जो होते हैं सर वो रिएक्ट करते हैं। हां ठीक है, ये नहीं रीजन है, कोई और बता रहे थे, आते बेटा आपसे ही बता रहे थे, कोई और बता रहा था सर, एसिड जो होते हैं सर वो रिएक्ट करते हैं सर, इसका ऐसा कोई लॉजिक नहीं, बेस भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे आपने अटेम्प्ट बढ़िया गुड, लेकिन और कोई बता सकते हैं बताइए। हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ चलिए, आपने बात बोला सही, लेकिन वो मुंह के लिए नहीं बोला। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारे मुंह में जब आप खाना को छोड़ देते हो तो उसका नेचर हो जाता है एसिडिक, ठीक है। अब एसिडिक नेचर हो जाएगा तो आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा, तो किसको से कराना पड़ेगा, बेस से, ताकि कि क्या हो सके आपका रिएक्शन न्यूट्रल हो सके, ठीक है। हाँ तो यानी कि एसिड और बेस को जब आप रिएक्शन कराते क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है यानी कि यूज करते हैं। अब आप लोग नीट के बच्चे हो, मैं एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, आप लोग एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके बताइएगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है? 7.2 से लेकर 7.4, यानी कि ये जो होता है यानी क्या होता है, हमारी बॉडी का पीएच होता है, पीएच ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारी बॉडी का पीएच है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सॉप का जो हम लोग जो यूज करते हैं उसकी पीएच 9 होती है। यहाँ पे तो लॉजिक समझ में आ गया सर, कि आपने कहा कि एसिड है, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ बताओ सर यहाँ पे क्या लॉजिक अपनाओगे, कोई मुझे बता सकता है कि क्या लॉजिक अपनाएंगे? प्रेमचंद्र 7.35 to 7.45, ये एक रेंज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा आपको, बेसिकली यही ये रेंज याद रखना है,
आपको अगर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही जो है 7.2 से 7.4 होता है, ठीक है। रेंज में भी कई जगह पे अलग अलग लिखा जाता है तो आप लोग उससे चिंता नहीं करना, लेकिन सभी के सभी 7.2 से लेके 7.4 के करीब करीब जो है हमारी पीएच होती है यानी कि बॉडी का। हाँ, अब हमसे जो मैंने क्वेश्चन जो पूछा कि ठीक है आप लोग अगर जो सॉप का बेस का जो सॉप का जो पीएच देखोगे वो कितना होता है, 9 होता है, और हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.2 से लेके 7.4 तक होता है। अब बताओ सर मुझे कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक अपनाओगे, बेस बेस पर रिएक्शन कराओगे? नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि आप एसिडिक का अगर जो यूज करोगे तो इन केस मान लो कि कई बार अगर जो आपके शरीर में बेस की संख्या कम हो गई तो वो क्या कर जाता, स्किन से डैमेज, स्किन के साथ रिएक्शन कर जाता और आपके स्किन को क्या कर सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था। हमें बेसिकली यानी कि क्या करना है कि आपको जो है इसके साथ जो इंसेक्ट मारना है, या सॉरी इंसेक्ट करो बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी पे जो अटैक हो रहे हैं उनको मारना है, वो जो है यानी कि क्या करता है, बेस भी मार देता है उसके साथ। वैसे तो बहुत सारे जो ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो क्या कर सके, यानी कि कीटाणु को मार सके। जैसे आपको डिटॉल जो है वो कितने परसेंट सुरक्षा देता है, 99.9%। तभी आप लोगों ने लॉजिक सोचा कि क्यों ये 0.1 को क्यों रोक देता है? आप लोगों ने कभी लॉजिक नहीं सोचा होगा, सर ये कंपनी वाले पूरा का पूरा लिख दिए तो ये पॉइंट को लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाता है, यानी कि देखना वो कहेगा कि हमारे डिटॉल से जो है 99.9% को जंप को मार देते हैं, वो 0.1 क्यों नहीं लेता, पता है क्यों, कोई मुझे बता सकता है? यस बोलिए योगेंद्र, अनुराग सर बोलिए। क्योंकि सर कुछ कीटाणु हमारे शरीर के लिए जरूरी भी होते हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं बेटा, कभी भी बॉडी के ऊपर में कभी भी जरूरत वो हमेशा हार्मफुल ही होते, लेकिन वो कंपनी इसलिए ऐसा करती है ना कि बाय चांस मान लो कि किसी कारण बस कोई बीमारी हो जाती है, डिटॉल वाला अगर जो मैं लगाऊं, अगर जो मेरे को कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपना बचाव के लिए 0.1% रखता है, यानी कि वन उकल क्या कहेगा कि जो है 0.1% जो है हमने क्या कह दिया था कि ये जो नहीं मारता है, 99.9 को तो मारता है लेकिन 0.1% को नहीं मारता है, तो वो क्या कर जाएगा, कंपनी पे कोई क्लेम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बेसिकली ऐसा लिखता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछते चले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर जो ये होता है, अच्छा अब जो सॉप आ रहा है अब वो बेसिक नेचर का सॉप नहीं आता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जो है कौन सा यूज किया होगा, जैसे कि डव सॉप का यूज किया होगा, उसमें जो बना होता है लिखा होता है यानी कि जो है हाँ प्योर मिल्क से बना हुआ है, आप लोगों ने जो है जरूर सुना होगा, यानी कि वो किससे बना होता है, यानी कि प्योर मिल्क से जो है वो बना होता है, ठीक है। तो वो जो है यानी कि बेसिक नेचर का नहीं होता है, तो डिपेंड करता है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या बेटा? नो सर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार रिफ्रेश मार सकते हैं, ताकि कि जो है हम लोग जो है इस पे मेरे तरफ से शायद सबको वॉइस क्लियर जा रही होगी, ताकि कि हम लोग जो है अगर जब बाकी किसी को अगर जब कोई प्रॉब्लम है तो एक बार जो है रिफ्रेश मार लीजिए, ठीक है। अब हमारी जो इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेटिटिव में नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं, ये जो ना बहुत ही ज्यादा इनकम का सोर्स होता है। मैं बता रहा हूँ कि अगर जब केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए हमें जो बहुत सारे जो है इकोनॉमिक जो है दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कई सारी चीजें जो है दूसरे देशों को बेचते हैं, जैसे मान लो कि टायर है हम लोग दूसरे देश को बेच रहे हैं, हमने यहाँ पे बनाया और दूसरे देश को हमने क्या कर दिया, इसको बेच दिया, और जैसे ही बेचेंगे तो यानी कि क्या होगी, यानी कि रेवेन्यू जनरेट होगी, जिससे आपकी नेशनल इकोनॉमी क्या हो जाएगी, यानी कि जनरेट हो जाएगी अलग अलग तरीके से। जैसे कि हम लोग पेट्रोल हो गया या और भी कुछ भी चीजें हो गई, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों से जो है यानी कि क्या कर लेंगे कि हम लोग जो है यानी कि यूज कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इन सब चीजों का जो हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे कि ये जो होता है यानी कि नेशनल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बाद एक बात बताऊंगा क्यों आप लोगों को मेडिकल में जो है केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, ठीक है। खैर फिलहाल जो हम लोग जो यानी कि यहाँ पे जानते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या हो रहा है कि आप लोग जो है घरों में एसी यूज करते हैं, उसके कारण कौन कौन सी गैस निकलती है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, कौन कौन सी गैस निकलती है जिससे ओजोन लेयर हाँ यानी कि क्या नाम है उसका, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है, या फिर मीथेन गैस, या फिर क्या होता है सीओ,
ये क्या कर रहा है कि ओजोन लेयर को डिप्लीसिएट कर रहा है, यानी कि क्या कर दे रहा है, ओजोन लेयर को क्या कर दे रहा है, डिप्लीसिएट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर होल कर दे रहा है। अब अगर जब होल कर देगा तो बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई मुझे बता सकता है कि अगर मान लो कोई होल हो गया, स्किन कैंसर होगा, वेरी गुड दीक्षित। एक्चुअली में क्या होगा कि इस कि जो भी उससे रेज आ रही है सन से, जैसे हार्मफुल रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको कहते हैं, कॉस्मिक रेज सीआई या इंफ्रारेड, ये सारी से अरे कहाँ आ जाएंगे, यानी कि जो है आपके अर्थ पे आ जाएंगे। अगर जब आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हो तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा कि स्किन कैंसर या स्किन डिजीज जैसी बीमारियां आ जाएंगी। तो जिस कारण से आप लोगों को क्या करना है कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोगों को यूज करना है, ज्यादा हार्मफुल नहीं है। मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग में से देखते हैं कि कौन सा जवाब देता है, ठीक है। अगर जिनको पता हो तो एक बार रेज हैंड करना, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर इस क्वेश्चन का आपने जवाब दिया तो, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि ठीक है सर, मैंने समझा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या फिर मीथेन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से यहाँ पे, ठीक है, तो यानी कि इन सब चीजों से हम लोग क्या करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, वन मिनट। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट था, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन देखना, बहुत ही मैं बेसिक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि मेरे पास मान लो कि आपके अनुसार से मैं कहूँ कि जिनको आता हो प्लीज रेज करना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से सभी सोचे, और जो है जब मैं पूछूं जो है आप रेज हैंड करना। मैं कहूँ कि देखो कि दिल्ली में पॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, यानी कि वहां पे हम लोग जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या और भी गैसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि रिलीज कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ सर, ये अंटार्कटिका में क्यों होल हो जाता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना सर। आप मुझे मेरा क्वेश्चन है कि मैं पॉल्यूशन करूँ दिल्ली में या मुंबई में या चाइना में, लेकिन होल हो जा रहा है कहाँ पे, अंटार्कटिका में। इसका रीजन बताओ सर, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है? अगर जो कोई बता सकता है तो प्लीज मेरे को जो है बताइए। अगर जो बताते तो आप लोग एकदम बहुत ही जीनियस स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। बताइए, आप लोग एक बार मैसेज कीजिए ताकि कि मैं सबका जो है कमेंट पढ़ सकूं, ताकि कि आप लोगों का मैं जो है जान सकूं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बहुत ही छोटी सी बात है। मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि हम लोग पॉल्यूशन करते हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में या चाइना में, लेकिन ये जो होल हो रहा है सर, ये अंटार्कटिका में क्यों हो रहा है? इसका सिंपल सा रीजन है कि मैं बताऊं या आप लोग कोई बताएंगे? अगर जब कोई मुझे बता सकता है तो बताइए। क्या नाम है आपका? वरुण। हाँ वरुण, बताइए सर। क्योंकि अंटार्कटिका में सर ठंड होती है ज्यादा। हाँ तो सर उसके कारण ना सर टेम्परेचर सर डाउन, सर ऊपर डाउन होता रहता है सर, जिसके कारण तो जैसे दिल्ली में सर टेम्परेचर ठंडी होती है, अंटार्कटिका में होती है। सर अंटार्कटिका में टेम्परेचर ज्यादा है। आपने काफी मतलब सही बोला। हाँ बोलिए सर। शायद सर सर अंटार्कटिका में सर ट्रीज वगैरह नहीं है सर। अच्छा, ट्रीज वगैरह तो जैसे कि रशिया में भी नहीं है, बहुत जगह पे देखोगे बहुत ज्यादा जो है 0 डिग्री के से माइनस में पहुंच जाता, तो वहां भी पेड़ पौधे नहीं है। हाँ बोलिए प्रेमचंद बेटा। सर हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत बड़ा है, और जो जब हम दिल्ली में पोल्यूशन कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं सिर्फ दिल्ली में हो, बाकी तरफ भी हो रहा है। और ओजोन लेयर में होल से मतलब है थिनिंग ऑफ ओजोन, वो तो सब तरफ हो ही रही है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर सब तरफ हो रही है, इसीलिए थिनिंग जो होल है वो अंटार्कटिका में भी होगा और यहाँ दिल्ली में भी होगा। ठीक है, आपने कहा कि बेसिकली सर, लेकिन जो होल हुआ है, मैं मानता हूँ कि सब जगह पे जो है यानी कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, लेकिन जो होल हुआ है वो अंटार्कटिका में ही हुआ है, बहुत 3 किलोमीटर का होल हुआ है, वो वहीं पे क्यों हुआ है? हाँ कोई इतनी की बात में गलत है। हाँ क्योंकि आइस कंपाउंड्स हैं, सीएफसी ब्रेकडाउन कर देते हैं और सीएल रिलीज होती है।
क्योंकि अंटार्कटिका में ताजा गिरी हुई बर्फ में आपने उससे पहले वाले ने जो बोला था बिल्कुल ठीक बोला था, अंटार्कटिका में क्या होता है जिसकी वजह से क्लोरीन निकलता है, शायद उसकी वजह से होता है ये। हाँ बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। एक्चुअली में क्या होता है, मैं मेरे पास समय थोड़ा सा कम है तो हम लोग जो है यानी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये क्या होता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ठंडे में ना ओजोन के साथ बहुत जितना ज्यादा ठंडा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब आप खुद सोचो कि जितना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, यानी कि क्या करेगा, यानी कि ओजोन लेयर का डिप्रिसिएट करेगा, जिस कारण से अंटार्कटिका में जो है यानी कि बहुत ज्यादा होता है। अब कहोगे सर तब दिल्ली में पॉल्यूशन कर रहे हैं तो फिर लोग ग्लोबल वार्मिंग क्यों क्यों चिल्ला रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल, यानी कि ये सारे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यानी कि ये क्या हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा और वो जहां पे ठंडा जगह रहेगा वहां पे क्या करेगा यानी कि अटैक करेगा और ये जो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम लोग क्या कर देंगे यानी कि ब्रेक डाउन कर देंगे। और जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ से जो है सन से इंफ्रा रेड्स आएंगी, हीट रेज आएंगी और जब हीट आएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के जो है काफी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिस कारण से आप लोगों को ये इन सब जगह पे जो यानी कि यूज करना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से और किसी को कोई डाउट हो तो ये छोटी सी टॉपिक थी, हमने लगभग लगभग इसको कवर कर लिया। अब उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछना। बेटा याद रखना कि हमें कभी भी शर्माना नहीं है, आप अगर जो सही बोल रहे हो तो आप बहुत अच्छे, गलत भी बोल रहे हो तो भी बहुत अच्छे हो क्योंकि आपने सबके सामने हिम्मत रखा बोलने का। ठीक है, इंसान वही सीखता है जो गलती करता है, कोई भी दुनिया में यहाँ पे सीख के नहीं आया है, सबको हम लोग को क्या करना है यानी कि यहीं पे सीखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब हम लोग जो है पहले से जानते, नहीं हमें जो है यानी कि इस प्रकार से मेहनत करना है ताकि कि हम लोग को क्या करना है एक मुकाम हासिल करना है। ठीक है, एक वैसे भी मैं कहता हूँ कि एक छोटी सी शहरी आप लोग सुनना कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा आप लोग इतिहास लिखोगे। ठीक है, यानी कि इसलिए हम लोग बेसिकली जो है जब आप एक अच्छी जगह पहुंच जाओगे ना बेटा, मैं बेसिकली आज थोड़ा सा मैं आपके पास 10 मिनट है, मैं थोड़ा सा टाइम पास की तरह आप लोगों को बताना चाहूंगा क्यों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं यानी कि नीट के लिए। ठीक है, ये सभी तो पढ़ा तो देते हैं नीट में कि सर केमिस्ट्री का जो है यूज होता है, लेकिन मैं इसका एक्चुअल यूज बताता हूँ कि क्यों हम लोग को नीट में जो है केमिस्ट्री को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसका रीजन क्या है। अब देखो यानी कि आप लोगों को मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब अगर जब मेडिसिन के बारे में पढ़ना है तो यानी कि वो बनता कैसे है, केमिकल कंपोजिशन से बनता है, यानी कि जितने भी मेडिसिन है वो किनसे बने होते हैं, जो भी मेडिसिन होते हैं वो किससे बने होते हैं, केमिकल कंपोजिशन। हाँ, यानी कि जो मेडिसिन होते हैं यानी कि वो किससे बने होते हैं, केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं। अरे यार, ठीक है, यानी कि जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेडिसिन। ठीक है, ये जो बने होते हैं यानी कि किससे बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। अब अगर जब केमिकल से बने होंगे तो आपको जानना जरूरी होगा। ठीक है, अब कहोगे सर मेरे को क्या लेना देना, मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे को तो मैंने दवाई का नाम याद कर लिया। जैसे मैंने कहा कि मेरे को बुखार है तो आपने कहा कि आप लोग डॉक्टर हो गए। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो कि आप सभी क्या हैं, डॉक्टर हैं। अब मैं गया आपके पास इलाज कराने या कोई पेशेंट आया, अब मेरे को मान लो फीवर है तो हमने क्या कहा कि मेरे को सर फीवर है आप मुझे बताओ कि मैं कौन सा दवाई लूं, तो डॉक्टर कहेगा यार पैरासिटामोल ले लो या डोलो 16 ले लो, डोलो 650 ले लो या और भी कई सारे जो है आप जो है क्या कर लो यानी कि ले लो। कहोगे सर हमें डॉक्टर बनना, हमें क्या जरूरत पड़ा यहाँ पे, क्या किसी को जरूरत पड़ा क्या। आप लोग ने सिंपल सिंपल सीधी सी बात कही, आपने कहा कि हमने जो है लक्षण के आधार पे बीमारी को डिटेक्ट किया और उसके आधार पे हमने लिख दिया, हमें कहाँ जरूरत पड़ रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि क्यों हमें जो है ये सब चीजें आप पढ़ा रहे सर केमिकल्स के बारे में, या क्या मुझे जरूरत है क्या। आप लोग सोचो कभी, थोड़ा समय आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट से सोचिए। सर मेडिसिन में अलग अलग साल्ट्स होते हैं, हाँ तो आपको अच्छा मैं कहूँ कि आप मान लो कि डॉक्टर बन गए। ठीक है, जैसे मैं किसी एक बच्चे को कहता हूँ कि जो है यानी कि जैसे अनुराग शर्मा एक डॉक्टर बन गया, मैं समझाने के लिए अनुराग शर्मा जो है डॉक्टर बन गया यानी कि एक जो है बहुत अच्छा डॉक्टर है हिमाचल का, वो जो है
ठीक है, डॉक्टर जो है मान लो ये बन गया। अब यानी कि डॉक्टर जब ये बन गया तो इसको क्या लेना देना कि पारासिटामोल कौन कंपोजिशन से बना है, कार्बन से बना है कि हाइड्रोजन से बना है, उसको तो क्या याद रखना है कि पारासिटामोल याद रखना है, डोलो याद रखना है, या और भी जितनी सारी मेडिसिन है रिस्पेक्टिव उस बीमारी के आधार पे आपको बेसिकली क्या कर देना है, यानी कि डिस्क्राइब में लिख देना है, ये तो करना है। अब कहोगे कि ठीक है, अब यानी कि तो हमें जरूरत पड़ा क्या कि किस कंपोजिशन से बना है, क्या हमें जरूरत पड़ रहा है, क्या डॉक्टर को जरूरत पड़ रहा है क्या? नो सर। तो क्यों पड़ रहा है, मेरा सिंपल सा सवाल है, मेरी बात समझ में आ रही है ना कि क्यों पड़ रहा है? Yes. अच्छा, कोई कह रहा है कि क्वांटिटी की यानी कि कितना पावर का लेना है, वो एक्चुअली आपको तो लिखा हुआ रहेगा कि कितना पावर का है, 500 पावर का है किसी यानी कि एमजी में जो है, आप देखना दवाई के पीछे लिखा रहेगा 650 एमजी है या 400 एमजी है, वो तो आप तो ऐसे भी देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्यों जरूरत पड़ता है कि आप लोगों को यानी कि जो है आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, इसका रीजन समझिए, ठीक है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से किसी को अगर कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। अगर किसी को सोडियम से एलर्जी है तो उसको पोटेशियम वाला मेडिसिन देना पड़ेगा कोई। चलिए, ये तो एक बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है, और कोई बता सकते हैं? इंसान को ना एक से ज्यादा दो बीमारियां हो, जैसे कि उस टाइम पर उसे दो मतलब मेडिसिन, एक मतलब उस एक मेडिसिन के साथ दूसरी मेडिसिन भी देनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस मेडिसिन के साथ वो रिएक्ट ना कर दे। वेरी गुड, ये भी एक रीजन। और बताइए शुभम, बताइए आप बता रहे थे। सर मैं ये कह रहा था सर, जो मेडिसिन होती है सर वो ड्रग होती है, तो सर मेडिसिन मतलब ड्रग नॉलेज होनी सर वो केमिस्ट्री में आ जाती है सर। बेसिकली ड्रग नॉलेज के लिए तो एक केमिस्ट होता है, आप जब मेडिकल शॉप होता है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों जो है यानी कि डॉक्टर को जरूरत पड़ती है। चलिए अब मैं अपना लॉजिक बताता हूँ, आप लोगों का जिन्होंने जितना लॉजिक बताया बिल्कुल सही है कि कई बार जो है यानी कि कई सारे बीमारियों के लिए अलग अलग जगह पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जीता जागता एग्जांपल, आप लोगों ने एक वायरस का नाम सुना होगा जिन्होंने आप लोगों को बहुत परेशान किया था, नाम सुने हो जिन्होंने, जिसके कारण से स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे, याद है कि नहीं नाम? कोरोना वायरस। यानी कि मिस्टर कोरोना वायरस की हम बात करते हैं, ठीक है। अब वो चले गए हैं, ठीक है। आप लोग जो है अब देखो, जब ये बीमारी आई थी तो हमें नहीं पता था कि इसके लिए कौन सा जो है दवाई देनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा कि हमने देखा कि इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन है, यानी कि इसकी बनावट कैसी है, इसके अंदर क्या चीज डालने पे जो यानी कि ये जो है क्या हो सके, यानी कि डेथ जो है, बेसिकली इसके जो लक्षण को पढ़ा और उसके बाद हमने मेडिसिन की बात की। उस समय हमारे पास कोई भी मेडिसिन नहीं थी, इस बात को याद रखना। आज हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है कोरोना से रिलेटेड, जिसमें से कई सारे वैक्सीन भी है। आप लोगों में से सबने जो है करीब करीब ने लगवाया होगा वैक्सीन, जिसमें से कौन कौन सा नाम था, कोवैक्सीन एंड कोवाशील्ड, और भी स्पुतनिक और पता नहीं कौन कौन सी थी, भारत बायोटेक ने ये सारी चीजें जो है बनाई थी, ठीक है। तो यानी किस प्रकार से जो है कई सारी जो है वैक्सीन आ गई और इसके कई सारे जो है यानी कि वो भी आए। अब जब ये आए थे तो जिस कारण से आपको नहीं पता, तो यानी कि किस बीमारी के लिए कौन सा यूज करें, तो जिस कारण से आपको कंपोजिशन का भी पता होना चाहिए। आप देखना मेडिसिन के, आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो तो यानी कि इस चीज को जरूर ध्यान देना कि पीछे जो है ना कितना क्या क्या चीजें बनी होती है, वो देखना धीरे धीरे करके लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यानी कि आपको कंपोजिशन यानी कि किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो आपको बेसिकली जानना जरूरी होता है। एक परफेक्ट डॉक्टर वो होता है, कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई दवाई नहीं है, जैसे मान लो कि मेरे पास कहीं पे मैं फंस गया, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, अगर जो आपके पास केमिकल का नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, उस बच्चे को या बंदे को या उस ह्यूमन को आप क्या कर सकते हो, यानी कि बचा सकते हो, ठीक है। मैं 2 मिनट और लूंगा, आप लोग जो है जाना नहीं, लेफ्ट नहीं करना, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि 10 बज गए, आप लोगों को भूख भी लग गई होगी, खाना नहीं खाए होंगे और कई सारे प्रॉब्लम है। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, कि हम लोगों को जो है दिल्ली एम्स ही क्यों जाना चाहिए। मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, क्यों हम लोग जो है यानी कि अगर किसी और कॉलेज से अगर स्टडी करें तो हमारे लिए क्यों नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक तो नहीं मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, इसका रीजन कोई मुझे बता सकता है? मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों का समय हो चुका है, रात हो गई है, तो इसलिए जो है। अब देखो कोई मुझे बताना चाहेगा ऐसा क्यों करते हैं?
अगर जब कोई मुझे बताना चाहेगा तो मुझे, हाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं। अच्छा इस एक्सपीरियंस डॉक्टर होते तो उससे क्या बेनिफिट होता है? एक्चुअली ज्यादा नॉलेज होता है। हाँ सॉरी फिर से बोलिए। सर उन्हें ज्यादा नॉलेज होता है केमिकल और ड्रग्स के बारे में। वो तो आपको हर जगह बताया जाता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वहां पे होता है। ठीक है मैं बताता हूँ, क्योंकि समय कम है, मेरे बहुत चीज मुझे बताना था वैसे एम्स के बारे में, पहला क्लास था लेकिन मैंने बताया नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को आपकी संडे की पेपर है तो मुझे उसके लिए भी आपको आपको प्रिपेयर करना है। हाँ अब गुर्जर बताइए, गुर्जर तो आप मुझे बता सकते तो बताइए प्लीज। ठीक है अगर जब किन्हीं को कुछ बताना सर, हो तो आप मुझे बता। अच्छा ओके बेटा कोई बात नहीं। ठीक है देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि आपको, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है आपको क्या करना है ना कि जिंदगी में एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो वो एम्स से बनता है। ऐसा क्यों मैं कहता हूँ, ऐसा अब तुम सोच रहे होगे कि देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जितने भी क्रिटिकल केस होते हैं ना, जो नई बीमारियां होती है जैसे कोरोना वायरस, सबसे पहले जो कहाँ आया था एम्स में लेके आए गए थे। अब मुझे बताओ कि मैं अगर जो सबसे पहले किसी बीमारी के बारे में लड़ूंगा तो छोटी मोटी बीमारी मेरे लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। दूसरी बात आप पर्टिकुलर जैसे मान लो कि कोई, मैं कह रहा हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट मैंने जो है ब्रांच लिया, ठीक है अब मैंने कार्डियोलॉजिस्ट लिया तो यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट में अगर जैसे मैं कहूँ कि मैंने जो है एक प्राइवेट कॉलेज लिया, मैं बताऊंगा किसी दिन प्राइवेट कॉलेज में कैसे लूट मची होती है, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। मैं बस छोटा सा चीज बताता हूँ कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट में जो यानी कि आपने क्या करा, यानी कि जो है आपका ब्रांच है, अब आपके पास कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा, सॉरी ठीक है, यानी कि आपने क्या करा कार्डियोलॉजिस्ट है या नर्व सिस्टम वाला या भी और भी जितने टाइप के होते हैं, आप लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि मैं इंजीनियर जो ब्रांच से हूँ इतना चीजें नहीं पता, लेकिन मैं सपोज करो कि मेरे पास क्या है कि कार्डियोलॉजिस्ट का कोई जो है क्या आया, यानी कि एक कोई पीपल आया। अब मान लो मेरे पास जिस मैं प्राइवेट में काम जो है मैं पढ़ रहा हूँ वहां पे तो पेशेंट ही नहीं आते तो मुझे नॉलेज कैसे होगा। तो एम्स में हर एक मिनट में करीब करीब 2 से 3 जो है पेशेंट आते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के, तो आप यानी कि हार्ट के बारे में ज्यादा जान सकोगे, यानी कि आपको पता लगेगा कि किस किस टाइप से बीमारियां आ रही है। अब मान लो कि मेरे को क्या पता, यानी कि अगर जब मैं किताब से पढ़ के अगर जब डॉक्टर बन जाता तो मुझे आज इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जब जाओगे तो यानी कि आप लोग क्या करोगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट देखोगे, वहां पे सारी चीजें देखोगे आपको। ऐसा नहीं है कि मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो किसी बॉडी का इंस्पेक्शन करना है, चीर फाड़ करना है कि कौन सा है नहीं है, एक प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ना तो बॉडी नहीं मिलती है आप, लेकिन एम्स में जाओगे तो वहां पे आपको बॉडी की लाइन लगी, आप एक जाओ वहां सब में से एक बॉडी को कहो उठा के लेके आ जाओ और उस पर जो है आप चीर फाड़ करके देख सकते हो, यानी कि वहां पे सारी चीजें मिल जाती है। कई सारे जो ऐसे जानवर होते हैं जैसे चूहा हो गया या ये जो जो खरगोश हो गया इन पे या मेंढक हो गया, इन पे एक्सपेरिमेंट आप जो है बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं देते हैं, लेकिन ये जो है एम्स जो है प्रोवाइड कराती है। तो इन सब चीजों के लिए हमें जो है यानी कि क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हो याद रखना आपके पास करीब करीब 15 मंथ है, याद रखना मेरी बात, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया और अच्छे रैंक के साथ कर लिया ना, आप एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनोगे और आने वाला जो आपका जो जो लाइफ है ना वो बहुत ही इंटायरली चेंज होने वाला है। तो हमें जो बस ये सोचना है कि यार 1.5 साल है करीब करीब, हमें जी जान से मेहनत करना है और हमें अपने एम को अचीव करना है। ठीक है जीतता वही है जो लगातार मेहनत करता है, जैसे मैंने अभी सैलरी भी बोला था थोड़ा देर पहले कि हम लोगों को क्या करना है कि जो है यानी कि पसीने से नहाना है ताकि कि इतिहास लिख सको। ठीक है तो और हम लोगों को अपने अपना जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं। ठीक है तो आज मैं जो है ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग जो है खाना पीना खाइए और रेस्ट कीजिए, सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट। ठीक है अब मैं इसके नोट कर दूंगा, आज बेसिकली ज्यादा पढ़ाया नहीं सर, तो जो है कल की क्लास में जो है गुड नाइट बेटा। ठीक है।